नमस्कार, मैं सविता शेखावत, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पेड़े बनाएंगे। ये पेड़े हेल्दी तो हैं, ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं और ये 8-10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाएं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मूंगफली दाना लिया हमने 2 कटोरी, इनको हमने सेक के इनका पूरा छिलका निकाल दिया है। 1 कटोरी हमने शक्कर ली है, ये थोड़ा सा घी लिया है एकदम 2 छोटे चम्मच के बराबर। ये ऑरेंज फूड कलर लिया है, ये हमने 10-15 केसर के धागे लिए हैं और ये मगज के बीज लिए हैं। ये 1/4 चम्मच हमने सौंठ का पाउडर लिया है, इसको जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। मूंगफली दाना का पाउडर बनाने से पहले हम चाशनी रख देते हैं। जब तक हम पाउडर बना के रेडी करेंगे, जब तक हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। 1 कटोरी शक्कर में हम 1/2 कटोरी पानी डालेंगे और इसको हम गैस पे गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी शक्कर पिघलेगी, हम मूंगफली का पाउडर बना लेंगे। शक्कर को हमने गैस पे रख दिया है और इसको हम 1 चम्मच से ऐसे मिक्स कर देंगे और धीमी धीमी आंच पर इसको बनने देंगे, जब तक हम मूंगफली का पाउडर बना लेते हैं। मूंगफली को हमने पीस लिया है, तो चलिए हम चाशनी देख लेते हैं। ये देखिए, हमारी शक्कर भी लगभग मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसके अंदर ये जो हमने फूड कलर लिया था, इसको थोड़े से पानी में भिगो लिया था, ये हमने सौंठ पाउडर इसके अंदर डाल दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम ये मूंगफली का जो पाउडर हमने बनाया है उसको डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम लो और मीडियम करते हुए इसको लगातार गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब इसके अंदर हम 1 छोटा चम्मच घी का डाल देंगे। ये जो हमने घी लिया था, इसमें से थोड़ा सा घी इसके अंदर डाल देंगे। इसमें हमें ज़्यादा घी नहीं लगता है, क्योंकि हमने इसको मूंगफली के दाने से बनाया है। इस पेस्ट को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको हमने लगभग 5-6 मिनट तक पका लिया है, ये तैयार हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे, जब ये थोड़ा सा हल्का गर्म रह जाएगा। पेस्ट ठंडा हो गया है तो अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। थोड़ा सा घी लेकर हम ऐसे हाथ पे लगा लेंगे और छोटी सी लोई तोड़कर उसको हम पेड़े का आकार दे देंगे। इसके ऊपर हम मगज के बीज और केसर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पे दूसरे ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे पेड़े हम इसी प्रकार बना बना कर एक प्लेट में रख लेंगे। सारे पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं, तो अब हम इसके ऊपर केसर और लगा देते हैं। केसर को हमने जरा से दूध में भिगो लिया था, अब हम इसके ऊपर इसको ऐसे लगा देंगे। बहुत ही अच्छे पेड़े बने हैं और खाने में तो ये एकदम टेस्टी हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पेड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।